Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 3. Unit 3 is from Block 2 MPC 004, that is MAPC first year students. This video is for you guys. Today we are going to talk about interpersonal attraction. इससे पहले कि मैं start करूँ, आप लोगों से request करना चाहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाएं, सिंस बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई हेल्प नहीं मिल रही, पढ़ाई से रिलेटेड कोई गाइडेंस नहीं है, और अगर उन तक ये वीडियो पहुँचेगा तो कुछ ना कुछ तो हेल्प हो जाएगी. तो इसी इंटेंशन से मैंने वीडियो बनाए थे और बनाती आ रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू फिनिश सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल. सो लेट अस स्टार्ट विथ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आम लाइफ में सुनते आ रहे हैं लोगों के बीच में और समझते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं. तो अब ये इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का मतलब दो लोगों के बीच में जो अटैचमेंट या अट्रैक्शन हो जाता है, क्यों दो लोग ज़्यादा करीब हो जाते हैं एंड बाकी लोग ऐसे नहीं हो पाते. तो जो रिलेशनशिप है ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती ही करती है, जिससे हम डिनाई नहीं कर सकते. सो कोई भी अगर रिलेशनशिप है उसकी इंटेंसिटी किस लेवल की है वो डिपेंड करता है कि हाँ, लोगों के बीच में किस तरह का बिहेवियर है, लोग आपस में किस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं. जिस तरह का वो बिहेवियर शो करेंगे और उससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि उसका इंटरेक्शन या उसका रिलेशनशिप सामने वाले के साथ कैसा है. इंसान अगर कुछ बोले भी ना तो बिहेवियर से भी हमें इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की का आइडिया लग जाता है. सो जो हमारी फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो हमारी फीलिंग्स तरह तरह के लैंग्वेजेस से हम एक्सप्रेस करते हैं, लाइक लव, हेट, डिसलाइक, लाइक, लाइक दैट. तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है ये दो लोगों के या बहुत सारे लोगों के बीच में होने वाला एक अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन की वजह से क्या चीज़ें हो सकती है. अट्रैक्शन की वजह से दो चीज़ें हो सकती है, या तो रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकती है या फिर फ्रेंडशिप हो सकती है. तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन लीड्स टू रोमांटिक रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप. नाउ जैसे आपने देख रहे हैं जहाँ पर भी पिंक हाईलाइट होता है, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आएंगे. तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की बात करें तो कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है, लोग जो हैं वो दूसरों से अट्रैक्टेड तब होते हैं जब जब उनको ये लगता है कि सामने वाला मेरे जैसा है. बहुत कॉमन चीज़ है, आप भी लोगों से मिलते हैं, जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो किसी से मिलके आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है, या तो ये बिल्कुल मेरे जैसा है. तो जब आपको ये महसूस होता है कि ये बिल्कुल मेरे जैसे हैं तो आपका अट्रैक्शन उसकी तरफ ज़्यादा होता है, आप उसकी तरफ ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं. तो ये एक सुपरफिशियल फीचर है. सुपरफिशियल फीचर की अगर बात करें तो कपड़ों से, रेस से इसका कोई लेना देना नहीं होता. ये कुछ ऐसी चीज़ है जो हम अपनी पर्सनैलिटी से कोरिलेट करते हैं. जब अट्रैक्शन की बात आती है, हम सामने वाले के का एटीट्यूड क्या है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है. तो सामने वाले ने क्या पहना है, कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता. हमें लेना देना होता है कि उसका एटीट्यूड हमारे लिए कैसा है. तो कुछ केसेस में आप ये भी देखते हैं कि जो कोई इंसान अगर आपसे एग्री हो रहा है तो वो क्यों एग्री हो रहा है. हमें ये लगता है कि वो अगर हमसे एग्री हो रहा है उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वो बहुत स्मार्ट है, या वो उसके साथ हम आसानी से मिलजुल सकते हैं, मतलब मेलजोल हम बढ़ा सकते हैं, और ये भी हो सकता है हम उसके साथ इसीलिए कंफर्टेबल या अट्रैक्टिव महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी तरह है. अगर हम किसी एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म की बात करेंगे, इनग्रेटिएशन का मतलब होता है कि आप किसी की बात में हाँ मिला रहे हैं जबकि आप उसकी बात से सहमत नहीं हैं.
और आप हाँ में हाँ इसीलिए मिला रहे हैं क्योंकि आपको उससे कुछ मिलेगा। अगर आप उसमें उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, या तो जॉब मिल जाएगा या वो आपका कुछ काम कर देगा। सो इस टर्म को बोलते हैं इनग्रेटिएशन, कि आप ऐसा शो कर रहे हैं कि आप उसकी बात से बिल्कुल रिलाई करते हैं और बिल्कुल आप इसके अगेंस्ट नहीं हैं, जो वो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और वो इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको फ़ायदा हो रहा होता है। लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई भी है, ये इनग्रेडिएशन जब करते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। इससे आप सामने वाले का भरोसा जीत सकते हैं लेकिन भरोसा हार भी सकते हैं। तो भरोसा जीतने के लिए आपको क्या ट्रिक लगानी पड़ेगी इनग्रेडिएशन में, आपको उस इंसान के साथ 70% ही एग्री करना पड़ेगा। जो भी काम कर रहे हैं आप 70% एग्री करें। अगर आपने कम एग्री किया तो आपका काम नहीं बनेगा, और आपने बहुत ज़्यादा एग्री कर लिया तो उसको आप पे शक हो जाएगा और वो समझ जाएगा कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो सोशल नेटवर्क के बारे में इन्होंने बताया है, जब हम लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, तो हमें एक ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, और उस ग्रुप की जो जिसे हम अपने जैसा मानते हैं, हमें उस ग्रुप में रहने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। उस ग्रुप में रहने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम जब उस ग्रुप में रहते हैं तो हमें उन लोगों से सेटिस्फैक्शन तो फील करते हैं, साथ में सिक्योर भी फील करते हैं। कुछ जो हम लोगों के बीच में अगर हमें इंटरपर्सनल अट्रैक्शन असेस करना है तो कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे हम कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चनेयर होते हैं, सर्वे होते हैं, रेटिंग स्केल होते हैं। इनको हम यूज़ करके दो लोगों के बीच में अट्रैक्शन को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और उसमें वो कैलकुलेट क्या करते हैं, क्वेश्चनेयर में होता क्या है, हम ये देखते हैं सिमिलैरिटी क्या है, सोशल रिवार्ड के बारे में वो क्या समझते हैं, फैमिलियरिटी के बारे में क्या समझते हैं, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के बारे में भी हम पता करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के अंदर आती हैं, और इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के थ्रू हम ये चीज़ें पता कर सकते हैं। हम और भी चीज़ें पता लगा सकते हैं इन क्वेश्चन से, जैसे कि हम अट्रैक्शन कितना है, पर्सनैलिटी कैसी है, कुछ सिचुएशंस हम ऐसी लेते हैं जिससे हमें उसके बारे में और भी कुछ पता चल जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को पढ़ने में हेल्प करते हैं, जैसे कि अगर इंटरपर्सनल अट्रैक्शन हमें ढंग से पढ़ना है सो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस भी हम पढ़ते हैं, प्रोपिंक्यूटी भी पढ़ते हैं, प्रोपिंक्यूटी को हम प्रॉक्सिमिटी भी कहते हैं, फेमिलियरिटी पढ़ते हैं, सिमिलैरिटी पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंटेरिटी पढ़ते हैं, रेसिप्रोकल लाइकिंग एंड रीइंफोर्समेंट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। इनको हम वन बाय वन समझेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। पहला है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। इसमें कुछ सेइंग है इन्होंने बताई हैं, आप वैसे तो ज़रूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन सेइंग्स को लिखना, लेकिन इंटरेस्टिंग है तो मैं एक बार रीड जरूर करूँगी। ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप, फिर यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कुछ और तरफ डायरेक्शन देती हैं। पर्सनल ब्यूटी इज़ अ ग्रेटर रिकमेंडेशन देन एनी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। ये कुछ ऐसे थाट्स हैं, ऐसे सेइंग्स हैं जो बहुत कॉमन है और लोगों ने पढ़ी है। बट फिजिकल अट्रैक्टिवनेस जो है वो सर्टेनली इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को बढ़ाता है। हम हमेशा अट्रैक्टिव लोगों की तरफ ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं एज़ कम्पेयर टू अनअट्रैक्टिव पीपल। सो स्टडीज़ भी ये शो करती हैं कि जो अट्रैक्टिव लोग होते हैं उनको जब दुनिया देखती है तो वो ये बिलीव करने लगती हैं कि इसके फिजिकल ब्यूटी के अलावा वो एज्यूम करते हैं कि वो खूबसूरत इंसान के अंदर और भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, जैसे कि वो आउटगोइंग होगा, काइंड होगा, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ भी कैरी करता होगा फॉर श्योर, क्योंकि वो इंसान खूबसूरत है। एक स्टडी की गई थी उसमें पॉपुलैरिटी के बारे में, एडोलेसेंट्स में पॉपुलैरिटी के बारे में पता करना था। ये कोवियोर एंड डेकेकी ने की थी 1973 में, जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि फिजिकल अट्रैक्टिवनेस जो है उसको कंपेयर किया गया था परसीव्ड एटीट्यूड सिमिलैरिटी, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट था पॉपुलैरिटी पे। अगर उन्होंने एटीट्यूड के बारे में बात की या फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के बारे में बात की तो उनको ये पता चला कि फिजिकल अट्रैक्टिवनेस का स्ट्रॉन्गर वोट थे पॉपुलैरिटी फाइंड करने में।
एक और इसके ऊपर एक और स्टडी हुई है, एक एग्जांपल और इन्होंने दिया है कि जो जूरी का टास्क था सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट में, इसमें ज्यादा अट्रैक्टिव जो थे वो डिपेंडेंट्स थे, उनको ज्यादा पॉजिटिवली इवेलुएट किया गया, और जो दूसरे लेस अट्रैक्टिव लोग थे वो उनको लेस सर्टेनिटी ऑफ गिल्ट था उनमें। यानी कि जो अट्रैक्टिव लोग होते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है एज कम्पेयर टू लेस अट्रैक्टिव पीपल। तो जूरी ने भी यही सेम चीज की कि जो ज्यादा अट्रैक्टिव डिफेंडेंट्स थे किसी स्टडी में उनको ज्यादा पॉजिटिवली इवेलुएट किया गया, और जो लेस अट्रैक्टिव डिफेंडेंट्स थे उनको उनपे उनको शक ही रहा हमेशा, उनके उनको ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिए गए। एक रिसर्च हुई फिजिकल अट्रैक्टिवनेस स्टीरियोटाइप के ऊपर। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स से पूछा गया कि उनको मैन एंड वेमेन की पिक्चर देखनी थी और ये बताना था गुड लुकिंग, एवरेज और होमली, जो इनमें से कुछ थे, मतलब ये जो जितने मैन एंड वेमेन की पिक्चर्स थी उनमें कुछ गुड लुकिंग, कुछ एवरेज और कुछ होमली, इस तरह से कैटेगराइज करना था इनको, और उसके बाद उनकी पर्सनैलिटी इवेलुएट करनी थी। तो रिजल्ट्स ने ये बताया कि स्टूडेंट्स ने ज़्यादातर एज्यूम किया कि जो फिजिकली अट्रैक्टिव पर्सन है वो ज़्यादा अच्छी डिजायरेबल पर्सनैलिटी ट्रेट कैरी करता है एज कम्पेयर टू जो नॉन अट्रैक्टिव थे। ये अगेन ये वाली स्टडी यही प्रूव करती है कि फिजिकल अट्रैक्टिव लोगों को हम ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज से सम्मानित करते हैं। ये भी रिपोर्ट किया गया कि जो रिसर्च थी उसमें ये बताया गया कि ब्यूटीफुल और जो हैंडसम कैरेक्टर्स थे वो उनमें जो इन्होंने कैरेक्टर ट्रेट देखे वो कौन कौन से, इन्होंने बताया कि उनमें क्या क्या ट्रेट होंगे, वर्चुअस, रोमांटिकली एक्टिव माने गए वो, सक्सेसफुल भी माने गए एज कम्पेयर टू लेस अट्रैक्टिव काउंटर पार्ट। देखो इस इन स्टडी से ये पता चल रहा है कि जो अट्रैक्टिव लोग होते हैं उनमें अच्छी क्वालिटी होती है ऐसा लोग समझते हैं। जो फिजिकली अट्रैक्टिव लोग होते हैं उनको ज़्यादा सोशेबल माना जाता है, सक्सेसफुल, हैप्पी, डोमिनेंट, सेक्सुअली वार्म, मेंटली हेल्दी, इंटेलिजेंट एंड सोशली स्किल्ड माना जाता है एज कम्पेयर टू अनअट्रैक्टिव पीपल। अट्रैक्टिवनेस एंड जॉब रिलेटेड आउटकम्स के बारे में बात करें तो भी इसके ऊपर स्टडी की गई कि अट्रैक्टिव लोगों के साथ जॉब से रिलेटेड क्या चीज़ें होती हैं। तो फिजिकली अट्रैक्टिव जो होता है उनका मॉडरेट इम्पैक्ट होता है जॉब रिलेटेड आउटकम्स में, जिसमें हम हायरिंग के बारे में बात करेंगे, सैलरी के बारे में भी बात करेंगे और प्रमोशन डिसीजन के ऊपर भी बात करेंगे। ये देखा गया कि जो स्टार्टिंग सैलरीज थी वो गुड लुकिंग मैन की स्लो एवरेज फेसेस के कंपैरिजन में डिफरेंट थी। अगर विमेन की बात करें तो फेशियल अट्रैक्टिवनेस ने वैसे तो इन्फ्लुएंस नहीं किया है स्टार्टिंग सैलरी, लेकिन आगे जाके बाद की जो सैलरीज थी वो गुड लुकिंग विमेन की ज़्यादा अच्छी थी। फिर इन्होंने कुछ एग्जांपल देके भी इन्होंने डॉलर्स में बताया है कि कितने डॉलर का डिफरेंस देखा गया, ये वो ही सेम चीज़ है जो ऊपर मैंने बताई। फिजिकल अपीयरेंस जो था उसमें जॉब में सक्सेस का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इन्होंने बताया फिजिकल अपीयरेंस डज इंडीड इन्फ्लुएंस सक्सेस ऑन द जॉब, यानी कि फिजिकल, अगर फिजिकल अपीयरेंस जो है वो ज़रूर जॉब पे असर डालता है। एलन फिनगोल्ड 1992, उन्होंने एक और चीज़ बोली थी, फिजिकली अट्रैक्टिव और फिजिकली अनअट्रैक्टिव पीपल जो होते हैं वो बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट में भी डिफर होते हैं। ऑफ कोर्स हर एक इंसान पर्सनैलिटी ट्रेट में अलग होता है। इन्होंने ये बताया है कि कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप फिजिकल अट्रैक्टिवनेस और ट्रेट ऑफ इंटेलिजेंस, डोमिनेंस, सेल्फ एस्टीम और मेंटल हेल्थ में नहीं पाया गया, इनको कोई ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं मिली। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली अट्रैक्टिव लोग जो होते हैं वो इंटेलिजेंट ही होंगे, ऐसा कुछ रिलेशनशिप नहीं मिला इनको। नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, प्रॉक्सिमिटी या फ्रेंक्विटी। रोलैंड मिलर्स की इंटीमेट रिलेशनशिप टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली ये बताया गया है कि प्रोपिंक्विटी इफेक्ट
को हम पहले डिफाइन करें क्या होता है। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी इंसान को ज़्यादा देखते हैं और या फिर किसी इंसान से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो इंसान हमारा दोस्त बन जाए या इंटीमेट पार्टनर बन जाए। सिर्फ इसको मेयर एक्सपोजर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं कि आप जितना किसी इंसान से एक्सपोज होंगे या उसका स्टिमुलस आपको मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आप उस इंसान को लाइक करेंगे। कुछ एक्सेप्शन ज़रूर हैं इसमें, मेयर एक्सपोजर इफेक्ट में उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने प्रॉक्सिमिटी एज अ इंटेंसीफायर ऑफ सेंटीमेंट्स, इसके बारे में इन्होंने बताया है कि जो प्रॉक्सिमिटी है इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है किसी की फ्रेंडशिप चॉइस के ऊपर भी। जैसे कि प्रपोजिशन ऐसी कही गई है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द क्लोजर टू इंडिविजुअल्स आर लोकेटेड ज्योग्राफिकली द मोर लाइकली इट इज़ दैट दे विल बी अट्रैक्टेड टू ईच अदर। इन्होंने कहा है कि अगर दो लोग कैसे भी हों, इक्वल भी हों, लेकिन अगर वो एक दूसरे के ज्योग्राफिकली नज़दीक हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इन्होंने और आगे बताया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप डेवलप करते हैं जो उनके साथ क्लास शेयर करते हैं या फिर उनके सेम बिल्डिंग में रहते हैं या घर के आसपास रहते हैं या सीट में पास में बैठते हैं, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाते हैं स्टूडेंट एज़ कम्पेयर टू ज्योग्राफिकली दूर उनका कोई दोस्त रहता है, यानी कि दूसरे स्टेशन में कहीं कोई दोस्त रहता है। ऐसे बार्ने ने 1961 में बताया था। और भी स्टडीज हुई जो फिशेंगर एंड सेचटर एंड बैक ने 1950 में की थी। इन्होंने एग्जामिन किया था कि फ्रेंडशिप कैसे डेवलप होती है न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट में। तो एक नई बिल्डिंग थी जिसमें मैरिड स्टूडेंट्स रहते थे। जो बिल्डिंग थी वो यू शेप की थी जैसे यहाँ पे बताया, और कुछ लोगों के घर तो आमने सामने थे क्योंकि वो बिल्डिंग यू शेप की थी, एक दूसरे से को हमेशा देखते रहते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो किनारे पे थे, जो यू के ऊपर टॉप है ना, यहाँ यहाँ रहते थे और वहाँ से उनको सामने ग्राउंड दिखाई देता था सिर्फ। सो इन्होंने ये नोटिस किया कि जो लोग ज़्यादा नज़दीक में थे, जो एक दूसरे से अक्सर मिला करते थे, वो ज़्यादा एक दूसरे के दोस्त बन गए एज़ कम्पेयर टू जो बिल्कुल एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। जैसे कि यू के टॉप पे जो लोग उस तरफ ग्राउंड की तरफ मुँह करते के रहते होंगे, उनका तो सबसे लीस्ट इंटरेक्शन होता होगा, तो उनकी दोस्ती बहुत कम हो गई, कम रहती थी लोगों से। लेकिन जो लोग सीढ़ी के पास रहते थे, स्टेयर्स के पास जहाँ से लोग आते जाते थे, उसको उनसे इनकी ज़्यादा दोस्ती होती थी। फिर जिन जो लेटर बॉक्स के पास जिनके घर होते थे उनकी भी ज़्यादा दोस्ती होती थी बाकी लोगों से, ऑल बिकॉज उनका इंटरेक्शन सही से चलता था, वो एक दूसरे से बातचीत कर पाते थे। सो जो लेस फ्रीक्वेंटली मिलते थे उनको वो एक सेपरेट हो गए और इसीलिए उनकी ज़्यादा फ्रेंडशिप डेवलप नहीं हो पाई। सो आर्किटेक्चरल जो फीचर था उसने इंडिविजुअल्स में प्रॉक्सिमिटी ला दी दूसरे रेजिडेंट्स में, और जो लोग थे उन्होंने लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई उन लोगों की जो ज़्यादा सबसे मिला करते थे, जैसे कि मैंने बताया जो सीढ़ियों के पास रहते थे या लेटर बॉक्स के पास रहते थे। तो ये पूरी स्टोरी वही बताई हुई है जो मैंने आपको शॉर्टकट में जल्दी से बता दी। सो इंटीग्रेटेड हाउसिंग जो था उसने प्रोड्यूस कर दी थी कैसी, एक और चीज़ करी थी उसने, ये की थी कि रेशियल हार्मनी हो गई थी, यानी दूसरी दूसरी रेसेस के जो लोग रहते थे वो भी आपस में मिलने जुलने लगे थे, और बिकॉज वो जो बिल्डिंग थी वो इंटीग्रेटेड थी, मतलब कोई भी रह सकता था वहाँ से और इंटरेक्शन होना जायज़ था। तो जब आपस में इंटीग्रेशन होता था, लोग आपस में मिलते जुलते थे, तो एक दूसरे के बीच से एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानने और समझने लगे थे, इसलिए इनके बीच में रेशियल प्रिजडिस इरेडिकेट हो गया था। तो जो सेग्रीगेशनिस्ट होते हैं, सेग्रीगेशनिस्ट मतलब जो सबको सेपरेट सेपरेट करके रखना चाहते हैं, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो इंटीग्रेशन है उसने इंटर रेशियल फ्रेंडशिप्स जो हैं उसको बढ़ा दिया था, रेस मिक्सिंग कर दी थी, और उनका कहना था कि किसी भी हालत में सेग्रीगेशन होना चाहिए, मतलब हर एक रेस एक दूसरे से अलग रहनी चाहिए, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन,
देखिए अभी एक और चीज़ होता है, जब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, अप्रॉक्सिमिटी होती है, तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन गेन करने में। तो जब हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो हम एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट करते हैं दूसरों के बारे में, हमें रिवार्ड एंड पनिशमेंट के बारे में पता लगता है, दूसरे की लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के बारे में पता लगता है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है तो हमारे जो सेंटिमेंट्स होते हैं लाइक्स एंड डिसलाइक्स के, वो स्ट्रांग होने लगते हैं, स्पेशली लव हेट जैसे रिलेशनशिप। एंड हम जिस इंसान से मिलते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत कम चांसेस हैं कि हमारा जो इंफॉर्मेशन हमें अच्छी मिलेगी और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे। तो जो लेस एक्सपीरियंस और मिनिमम इंफॉर्मेशन की वजह से हमारे अंदर सामने वाले के लिए खटास आई थी वो चली जाएगी। तो डिग्री ऑफ प्रॉक्सिमिटी जो भी दो लोगों के बीच में जब होती है तो हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये पॉसिबल हो जाता है कि हम पॉजिटिव सेंटीमेंट्स और नेगेटिव सेंटीमेंट्स डेवलप कर पाते हैं सामने वाले के लिए। हमें समझ आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत ज़्यादा टेंडेंसी तो ये होती है कि अट्रैक्शन ही होता है, हॉस्टिलिटी बहुत कम देखने को मिलती है। वैसे तो न्यूकॉम जो है उन्होंने प्रॉक्सिमिटी के बारे में ये कहा कि प्रॉक्सिमिटी हमें शुड प्रोड्यूस पॉजिटिव अट्रैक्शन, और जब पर्सन इंटरेक्ट करते हैं, रिवार्ड पनिशमेंट रेशो को अगर देखा जाए तो हमें ये समझ में आता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो होती है प्रॉक्सिमिटी की वो हमें अलाउ करती है कि हम फेवरेबल चीज़ों के बारे में सोचें, फेवरेबली सोचते हैं चीज़ों के बारे में, अनफेवरेबली सोचना बहुत कम चांसेस हैं उसकी। जो लोग हैं वो बहुत एक्सटेंट तक सेटिस्फाई फील करते हैं जब वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी नीड्स सेटिस्फाई होती हैं जब वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। और वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि हम जब सामने वाले को ध्यान रखेंगे, सामने वाले की केयर करेंगे, तो सामने वाला हमें भी रेसिप्रोकेट करेगा और रिवार्ड हमें भी मिलेगा। एक दूसरे के रिवार्ड का ध्यान रखते हैं। फिर हेदर्स बैलेंस थ्योरी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुकी है। हेदर्स बैलेंस थ्योरी क्या बोलती है कि जो लोग हैं वो हमेशा स्ट्राइव करते हैं ऐसे रिलेशनशिप, हारमोनियस रिलेशनशिप बनाने की। हमेशा हर एक इंसान ये चाहता है कि हारमोनियस रिलेशनशिप बने, और ख़ास तौर से यूनिट रिलेशनशिप जो है उसकी वो लोगों के बीच में बनी रहे। और जो हारमोनियस रिलेशनशिप है वो इसीलिए बनी रहनी चाहिए क्योंकि वो ये माने कि उनके आसपास जो लोग हैं वो एक यूनिट रिलेशनशिप को शेयर करते हैं। अब अगर आप इसकी टर्मिनोलॉजी देखो तो थ्योरी क्या बोलती है, बोलती है पीपल स्ट्राइव टू मेक देयर सेंटीमेंट रिलेशनशिप्स हारमोनियस। उनकी जो सेंटीमेंट रिलेशनशिप है उनको वो हारमोनियस बनाना की कोशिश करते हैं विद देयर परसेप्शन ऑफ द यूनिट रिलेशनशिप एग्जिस्टेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो उनकी रिलेशनशिप है अपने आसपास के लोगों से वो यूनिट रिलेशनशिप है, यानी हम एक फैमिली हैं। तो इसमें सेंटीमेंट रिलेशनशिप टर्म आया और यूनिट रिलेशनशिप टर्म आया, इसका मतलब क्या है? सेंटीमेंट का मतलब होता है, पॉजिटिव और निगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड समवन, इसका मतलब ये है। और जो यूनिट रिलेशनशिप है उसका मतलब है जो जितने भी सेपरेट एंटिटीज हैं इनमें यूनिट रिलेशनशिप है जब हम उसको अपने से बिलोंग करता हुआ मानते हैं, यानी कि जैसे कि फैमिली में होता है, जितने फैमिली के मेम्बर होते हैं वो हम अपना ही मानते हैं उसको, तो वो एक यूनिट हो गई। इस तरह से गेस्टाल्टिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने भी रिलेशनशिप के बारे में, ऑब्जेक्ट्स की रिलेशनशिप के बारे में बात किया है। इन्होंने ये बताया कि जो प्रॉक्सिमिटी होती है वो यूनिट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जो भी लोग क्लोज होते हैं एक दूसरे के उनमें ये जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होने की वजह से एज ए यूनिट वो वर्क करने लगते हैं। जैसे कि हैदर की थ्योरी में बताया था कि जो अगर हम परसीव करते हैं यूनिट रिलेशनशिप को दूसरे के साथ एग्जिस्ट करती है, तो हमारा जो परसेप्शन है वो हमेशा हारमोनियस सेंटीमेंट्स
डेवलप करेगा ही करेगा, लाइकिंग स्टार्ट कर ही देगा रिलेशनशिप में। इन्होंने आगे भी बताया है और भी, अगर हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि यूनिट फॉर्मेशन जो हुआ है उसमें जो इंटरेक्शन है वो कितना अट्रैक्शन पैदा कर चुका है, वो अगर हमें पता करना है, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने एक कॉलेज की गर्ल्स को लिया, उन्हें दो फोल्डर्स दिए, एक में उन्हें उस लड़की के बारे में लिखना था जिसके साथ उन्होंने बातें करी हैं और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की है, और दूसरे फोल्डर में उस लड़की के बारे में लिखना था जिसको वो जानती नहीं है। और उन जो बातें करनी थी वो किस टॉपिक पे बात करनी थी, सेक्सुअल स्टैंडर्ड्स एंड बिहेवियर के बारे में दूसरी गर्ल्स से बात करनी थी। सो जो इन्फॉर्मेशन हमें दोनों फोल्डर्स में उनको जब लिखने के लिए बोला तो बड़ी एम्बिगुअस सी पिक्चर थी, क्योंकि वो किसी लड़की के बारे में जानती नहीं है तो कैसे लिखेगी। ए फोल्डर में तो उन्होंने लिख दिया क्योंकि वो जानते थे उस लड़की को, और दूसरे फोल्डर में जिस लड़की के बारे में तो उन्हें कुछ नहीं पता था वो क्या लिखते। इससे ये पता चला कि ओवरऑल क्या पता चला वो मैं बता देती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, कि जिनसे ये ज़्यादा जिनको नज़दीकी से जानते थे, जिनके साथ इन्होंने अप्रॉक्सिमेटली टाइम स्पेंड किया था, उसमें ये ज़्यादा उसके बारे में लिख पाए और उसके लिए उनको लाइकिंग भी थी, उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट लिख पाए, और जिनके बारे में नहीं जानती थी उनके बारे में ऐसा वो नहीं लिख पाए। तो उनको दोनों फोल्डर से ये चीज़ें पढ़ के ऐसा बताना था दोनों गर्ल्स के बारे में। सो बहुत सारे डायमेंशंस के बारे में इन्हें बताना था, जैसे कि लाइकिंग के बारे में बताना था। तो जो रिज़ल्ट इस स्टडी के क्लियरली यही बता रहे थे कि जो सब्जेक्ट्स हैं उन्होंने एक्सप्रेस किया ज़्यादा लाइकिंग उस गर्ल के लिए जो जिसको डेजिग्नेट किया गया था एज अ डिस्कशन पार्टनर, और उस लड़की के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिख पाया जो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं थी। सो ये बताता है फैक्टर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो जब भी फैक्टर ऑफ प्रॉक्सिमिटी आता है तो ये एक यूनिट फॉर्मेशन बना देता है लोगों के बीच में, और यूनिट रिलेशनशिप की होने की वजह से फीलिंग ऑफ लाइकिंग डेवलप हो जाती है, और जो नॉलेज है जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से इनमें आई होती है एक दूसरे के बारे में, उस वजह से भी ये इंटरेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और लाइकिंग बढ़ती जाती है। सो एक्चुअल प्रॉक्सिमिटी जो है ये कोरिलेटेड है अट्रैक्शन से, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी हमेशा अलाउ करती है कि हमारे अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सामने वाले के बारे में आ जाती है और हम एक रिवार्ड या पनिशमेंट वाला रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करने लगते हैं दूसरे के लिए। सो अट्रैक्शन जो है ये बाय प्रोडक्ट होता है हमारे कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी का। नाउ कमिंग टू सिमिलैरिटी, एक आपने कहावत सुनी होगी बर्ड्स ऑफ ए फैदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब जो एक जैसे हैं वो एक साथ ही रहेंगे लोग। तो ये मौर्य का अट्रैक्शन सिमिलैरिटी मॉडल था 2007 का, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो लोग हैं जिनमें सिमिलैरिटी होती है वो उनमें इनिशियल अट्रैक्शन होता है। ये जो परसेप्शन है खुद का या फिर जो रोमांटिक रिलेशनशिप है या फ्रेंडशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप का जो परसेप्शन है वो इसी तरीके से बनता है। न्यू कॉम ने 1963 में इस बारे में बात की थी, और उन्होंने कहा था कि जो लोग हैं वो हमेशा अपने परसीव सिमिलैरिटी को चेंज कर देते हैं जब उनको रिलेशनशिप में बैलेंस ऑब्टेन करना होता है। तो जो परसीव्ड सिमिलैरिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअल सिमिलैरिटी के कंपैरिजन में। आप चाहे एक्चुअली कितने सिमिलर हो या ना हो, लेकिन परसीव्ड सिमिलैरिटी वो सिमिलैरिटी है जो इनिशियली आपका इंटरपर्सनल अट्रैक्शन बढ़ाएगी। सिमिलैरिटी इन डिफरेंट आस्पेक्ट के बारे में भी इन्होंने बात की है, उसमें इन्होंने ये बोला है कि इंटरपर्सनल सिमिलैरिटी और जो अट्रैक्शन है ये मल्टी डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट्स हैं, जिसमें जो लोग हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं दूसरों से जो उनकी जैसे होते हैं। किस सेंस में उनके जैसे होते हैं? डेमोग्राफिकली
physical appearance, attitudes, interpersonal type, social and cultural background, personality, interests, activities, preferences and communication social skills. इनमें एक जैसे होते हैं उनसे ज़्यादा वो attractive होते हैं. नाउ इसके वन बाय वन हम देखेंगे. जैसे फिजिकल अपेयरेंस की बात करें तो इरविन गॉफमैन ने कहा था कि लोग उनको ज़्यादा लंबे रिलेशनशिप में रखते हैं, उनके साथ ज़्यादा लंबे रिलेशनशिप्स में रहते हैं लोग जो उन्हीं के जैसे होते हैं सोशल एट्रीब्यूट्स में, जैसे कि फिजिकल अट्रैक्टिवनेस में. जो फिजिकली अट्रैक्टिव होंगे, सिमिलर होंगे, वो ज़्यादा लाइकिंग एक दूसरे के लिए एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा स्टडीज़ कहती हैं. जैसे फोटोज़ ऑफ डेटिंग और एंगेज कपल्स के अगर उनकी अट्रैक्टिवनेस की बात करें तो उससे भी ये बात सामने आती है. एटीट्यूड के बारे में बात करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बायरने ने दिया था, उन्होंने भी यही बोला था कि जो दो लोगों के बीच में जब अट्रैक्शन होता है ये पॉजिटिवली रिलेटेड होता है किस प्रोपोर्शन तक, जब तक कि उन लोगों के बीच में एटीट्यूड सिमिलैरिटी एसोसिएटेड होती है. यानी कि दो लोगों के एटीट्यूड सिमिलर हैं तो उनमें अट्रैक्शन होगा. जिनके एटीट्यूड जैसे किसी का एटीट्यूड आपके जैसा है वो इंसान हर बात पे एग्री करेगा आपकी हर बात पे, और जब वो आपकी हर बात पे एग्री करेगा तो आप लाइकिंग भी आपकी उस इंसान के लिए बढ़ जाएगी, आप उसको ज़्यादा लाइक करने लगेंगे. तो कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरीज जो हैं ये भी इसी तरफ इशारा करती हैं. अगर आप डिफर करते हैं एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट में तो आप डिसलाइक करेंगे उस इंसान को, अवॉइड करेंगे उसे, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे. तो एटीट्यूड सिमिलैरिटीज जो है वो एक्टिवेट कर देती है परसीव्ड अट्रैक्टिवनेस, और फिर हमारी एक दूसरे से एबिलिटी भी जो है वो बढ़ जाती है. डिसिमिलैरिटी रिड्यूस कर देगा हमारा इम्पैक्ट कि डिसिमिलैरिटी होगी तो ऑब्वियसली हम एक दूसरे से दूर डिस्टेंस बनाएंगे. फिर उन्होंने और भी कंपैरिजन्स के बारे में बात की है. ये कुछ खास नहीं है टॉपिक इस पैरा में. इसमें एटीट्यूड सिमिलैरिटी के बारे में बताया कि एटीट्यूड सिमिलैरिटी प्रिडिक्ट कर सकती है कि आप कितना दूसरे के साथ कितने दूर तक रिलेशनशिप रखेंगे और आपका सोशल और इंटेलेक्चुअल इम्प्रेशन एक दूसरे पर कितना होता है, और किस तरह से सिमिलैरिटीज जो हैं एटीट्यूड सिमिलैरिटी एक दूसरे पर बेस्ड होती है. इंटर ग्रुप कंपैरिजंस के बारे में बात करें तो हाई एटीट्यूड सिमिलैरिटी होमोजेनिटी को बढ़ावा देती है. होमोजेनिटी मतलब ज़्यादा एक दूसरे जैसी क्वालिटीज़ देखने के लिए मिलेंगी और एक दूसरे के लिए लाइकिंग भी देखने के लिए मिलेंगी. सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ये बायर ने, क्लोरे एंड वॉर्चर ने 1966 में बताया कि जो लोग सिमिलर होते हैं इकोनॉमिक स्टेटस में वो एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. बस एंड बार्नेस ने 1986 में भी ये बात बोली थी कि लोग प्रेफर करते हैं रोमांटिक पार्टनर जो उन्हीं के जैसे होते हैं डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, रिलीजियस बैकग्राउंड में, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन में एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में. पर्सनैलिटी की बात करें तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है पर्सनैलिटी सिमिलैरिटी को लेकर. जो लोग ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं कि उनको रोमांटिक पार्टनर की तरफ, तो वो ज़्यादा ऐसे पार्टनर को चूज़ करते हैं जो एग्रीएबलनेस दिखती है, जिसमें कंसीडियसनेस दिखती है, एक्स्ट्रोवर्जन, इमोशनल स्टेबिलिटी, ओपननेस टू एक्सपीरियंस एंड अटैचमेंट स्टाइल, उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं रिलेशनशिप में लोग. इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़ की बात करें तो अगेन एक्टिविटी सिमिलैरिटी भी एक फैक्टर है जो प्रिडिक्ट करता है कि कितनी लाइकिंग होगी पार्टनर्स में, और ये अफेक्ट करेगा कि आप अट्रैक्शन का जजमेंट कैसा रहेगा. अगर हाई सेल्फ मॉनिटरिंग पर्सन है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एक्टिविटी प्रेफरेंस सिमिलैरिटी के ऊपर. उनको एक्टिविटी प्रेफरेंस सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी, मतलब एक्टिविटी जो भी करते हैं अगर वो सिमिलर है तो हाई सेल्फ मॉनिटरिंग पर्सन वो उसी चीज़ पे जोर देगा.
जबकि लो सेल्फ मॉनिटरिंग पर्सन जोर देगा एटीट्यूड सिमिलैरिटी में। हमें याद रखना है जो हाई सेल्फ मॉनिटरिंग पर्सन होता है वो ध्यान देता है एक्टिविटी प्रेफरेंसेस पे ज़्यादा, और जो लो सेल्फ मॉनिटरिंग पर्सन होता है वो एटीट्यूड सिमिलैरिटी पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। कमिंग टू सोशल स्किल्स, तो जो टैक्टिकल सिमिलैरिटी जो है वो पॉजिटिवली कोरिलेट करती है पार्टनर सेटिस्फैक्शन एंड ग्लोबल कॉम्पिटेंस रेटिंग्स पे। ये अनकोरिलेटेड है ओपिनियन चेंज एंड परसीव परसुएसिवनेस मेजर्स से। इन्होंने और भी चीज़ें बताई हैं जैसे इफेक्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी ऑन इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। सिमिलैरिटी का क्या असर पड़ता है? सिमिलैरिटी का इफेक्ट पड़ता है फॉर श्योर जब रिलेशनशिप स्टार्ट होती है उस वक्त, क्योंकि वो इनिशियल अट्रैक्शन होता है कि जब आप देखते हैं अरे मेरे जैसा कोई तो आपका ध्यान तो जाता है। सो हाई एटीट्यूड सिमिलैरिटी अगर है तो वो इनिशियल अट्रैक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देती है टारगेट पर्सन की तरफ। हाई एटीट्यूड डिसिमिलैरिटी अगर होगी तो ये इनिशियल अट्रैक्शन को डिक्रीज कर देगी। सो सिमिलैरिटी प्रमोट करती है रिलेशनशिप कमिटमेंट। कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बारे में भी बात की है। कॉम्प्लीमेंटेरिटी ये कहती है कि जो कॉम्प्लीमेंटरी इंटरेक्शन होता है दो पार्टनर के बीच में वो इंक्रीज कर देती है उनका अट्रैक्टिवनेस एक दूसरे के लिए। सो कॉम्प्लीमेंटरी पार्टनर्स जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंटरी मतलब जो एक को ब्लैक पसंद है तो दूसरे को व्हाइट पसंद है, किसी को सॉल्टी पसंद है तो दूसरे को बिटर पसंद है, तो इस तरह का उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरी पार्ट की दोनों को एक ही चीज़ पसंद नहीं है, अलग अलग चीज़ पसंद है। तो कॉम्प्लीमेंटरी जो पार्टनर होते हैं वो प्रिफर करते हैं क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देन नॉन कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि जो कपल्स हैं वो उन्होंने ये बताया कि इनमें हाई लेवल ऑफ लविंग एंड हारमोनियस रिलेशनशिप पाई गई है क्योंकि वो लोग डिससिमिलर हैं और इस वजह से ये एक दूसरे से झगड़ा नहीं होता इनका आपस में। मेथ्स एंड मूरे ने 1985 में इसके बारे में और भी बातें बताई हैं, जैसे कि जो आइडियल ऐसे लोग जिनका लो सेल्फ एस्टीम है, इन्होंने एग्जांपल बताया कि जिनका कोई बंदा अगर लो सेल्फ एस्टीम रखता है तो वो उस पार्टनर को ज़्यादा पसंद करेगा या प्रिफर करेगा जिसका हाई सेल्फ एस्टीम होता है। सो इस तरह से जो कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं और दैट मेंटेन्स देयर रिलेशनशिप ऑन एन आइडियल बेसिस। सो सेल्फ वैलिडेशन एंड सिक्योरिटी वाली फीलिंग आ जाती है जब ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बारे में बता रहे हैं। जो प्रिंसिपल्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंटरी जो हैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी हैं सरफेस पे, लेकिन ये कुछ डायमेंशंस पे एग्री भी करते हैं, जैसे कि वार्म्थ। वार्म्थ एक ऐसा टर्म है जिसमें ये एग्री भी करते हैं। जो फ्रेंडली पीपल हैं वो प्रिफर करते हैं फ्रेंडली पार्टनर्स, ये एक वार्म्थ की ही बात है। तो सिमिलैरिटी जो है ये सीम्स टू कैरी कंसिडरेबल वेट इन इनिशियल अट्रैक्शन। जो इनिशियली जब हम अट्रैक्ट होते हैं किसी से तो सिमिलैरिटी मैटर करती है, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी होती है वो रिलेशनशिप जब आगे बढ़ गई होती है तो उसको टाइम के साथ डेवलप होने के लिए कॉम्प्लीमेंटेरिटी ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू सिमिलैरिटी। लोग वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं रिलेशनशिप में जिनमें पार्टनर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एक जैसे नहीं होते। कोई डोमिनेंट है तो दूसरा सबमिसिव होना चाहिए, लाइक दैट। सो इससे फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, दोनों में से कोई भी मेंबर फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करता और परसेप्शन और एक्चुअल बिहेवियर कंग्रेंट नहीं होता एक दूसरे का, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो वेयर आई हैव फिनिश्ड हाफ ऑफ दिस यूनिट एंड इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट अनदर पार्ट, यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो दिस यूनिट सॉरी। सो आई होप मेरे वीडियोज़ आपको यूजफुल लगते हैं, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर दीज वीडियोज़ विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सो दैट एवरीबडी गेट्स हेल्प आउट ऑफ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।